नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार, नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। छठवें चरण का चुनाव परसों होने वाला है और इसके पहले बीजेपी को जोरदार झटका लग गया है। ये झटका जाहिर है दिया है इंडिया गठबंधन ने। जी हां, आज राहुल गांधी पूर्वी दिल्ली में लगातार प्रचार कर रहे हैं। उधर प्रियंका गांधी हरियाणा पहुंच गई है, सचिन पायलट पंजाब में है, वहीं तेजस्वी यादव बिहार में धूम मचा रहे हैं और अखिलेश यादव यूपी में। यानी कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस समय जोरदार प्रचार कर रहे हैं और जगह जगह घूम कर लोगों को यही बता रहे हैं कि इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आई, गलती से भी सत्ता में आ गई, तो तय मानिए कि संविधान को बड़ा खतरा रहेगा। राहुल गांधी तो इन दिनों हर बार अपनी सभा में जाते हैं तो वो एक संविधान की छोटी सी प्रति भी साथ में लेकर जाते हैं, जिस पर भी अब बीजेपी को तकलीफ होने लगी है और इसको लेकर भी अब गलत खबरें फैलाई जाने लगी है कि राहुल गांधी गलत कॉपी लेकर चल रहे हैं। तो बीजेपी के ये झूठ का सिलसिला इस तरह से शुरू हो गया है, उससे समझ में आता है कि बीजेपी को अब जोरदार झटका महसूस होने लगा है और ये झटका, ये जो थकान है, ये अब मोदी के चेहरे पर, उनके भाषणों में, उनकी आवाज में भी साफ सुनाई देती है। आपको याद होगा कि कल पीएम मोदी ने दिल्ली में एक सभा की थी और उसमें उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें अब तक तो वो लोगों को ये बोलकर डराते थे कि कांग्रेस आएगी तो एक्सरे कर लेगी और आपका मंगलसूत्र और आपकी भैंसे चोरी करके ले जाएगी या आपसे छीन लेगी। अब वो लोगों को ये बोलकर डरा रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो उस नल की टोटी को भी उखाड़ ले जाएगी जो मैंने आप लोगों के घर में लगवाया है। यानी मोदी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में जो कुछ हुआ है वो 2014 के बाद से ही हुआ है। हालांकि उनके भाषणों में अभी भी ये नहीं बताया जाता है कि 2014 से लेकर अब तक उन्होंने क्या काम किया है, किस तरह लोगों का भला किया है, बल्कि अब तो वो सीधे सीधे ये बोलने लगे हैं कि मैं तो बायोलॉजिकल भी नहीं पैदा हुआ, मैं तो भगवान का मुझ में अंश है या ब्रह्मांड की कोई शक्ति है जिससे मुझे इतनी ऊर्जा मिली हुई है। ये बातें मोदी अब मीडिया के सामने बोलने लगे हैं। आज भी उनका एक बड़ा इंटरव्यू छपा है। अब मोदी इसी तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं चुनिंदा पत्रकारों को, उन्हीं चुनिंदा सवालों के साथ, वही थके हुए सवाल, वही थके हुए जवाब। लेकिन इन थके हुए सवालों और जवाबों के बीच अब राहुल गांधी जो है वो मीडिया पर भी अब जोरदार हमला बोलने लगे हैं। जिस मीडिया को गोदी मीडिया कहकर बहुत प्रचारित किया गया, अब राहुल गांधी ने उसके लिए एक नया नाम दिया है। राहुल गांधी अब सीधे सीधे उन पत्रकारों को चमचा कहने से नहीं चूक रहे जिन लोगों ने अब तक मोदी की जी हुजूरी में ही पूरा वक्त निकाल दिया। वो मोदी से सवाल पूछने बैठते भी हैं तो एक भी ढंग का सवाल नहीं पूछते, एक भी सवाल ऐसा नहीं पूछते जिसमें ये लगे कि देश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल हो रहा है और कोई जो जिस पत्रकारिता को या जो मीडिया में जो लोग संलग्न है वो लोग खुद को चौथा स्तंभ बताने से नहीं चूकते, लेकिन वो लोग सवाल पूछने से जरूर चूक जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि मोदी के आगे बैठे तो कोई ढंग के सवाल पूछ लें उनसे। बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना के दौरान हुई मौतें, इलेक्टोरल बॉन्ड, ईवीएम का मसला, चुनाव आयोग पर उठते सवाल, बहुत सारे सवाल हैं जो मोदी से पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं पूछ रहे क्योंकि शायद ये मीडिया मोदी को और थकाना नहीं चाहता। हालांकि मोदी की थकान साफ साफ जाहिर होने लगी है और अब राहुल गांधी का जिस तरह से उन पर हमला हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि मोदी आने वाले समय में, यानी अब जो दो और चरण बचे हैं, उनमें और लड़खड़ा सकते हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में जो सभा की, कन्हैया कुमार के पक्ष में उनके प्रचार के लिए उन्होंने जो सभा की उसमें राहुल गांधी ने कुछ मजेदार तरीके से मोदी को घेरा। क्या कहा राहुल ने इसको हम सुनते हैं। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, जैसे आप सब हिंदुस्तान के जनता सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं
उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे उसे? कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा, और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी है गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री आते हैं कहते हैं भाइयों और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए, जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना इसमें गैस होती है, एक पाइप लो उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया? राहुल गांधी का एक चुटीला सवाल कि परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया, और यही सवाल अब इस देश की वो पीड़ित जनता भी पूछ रही है जो लगातार बेरोजगारी और महंगाई से पीड़ित है, लेकिन उसके लिए उसकी पीड़ा को दूर करने का कोई उपाय मोदी नहीं सुझा रहे हैं, वो अभी भी अपनी ही तारीफ किए जा रहे हैं। क्या है आखिर उन जो इस तरह से अपनी तारीफ कर रहे हैं, क्या है उसके पीछे का कारण? क्या मोदी को अभी एहसास होने लगा है कि अब उनकी सत्ता जाने वाली है और इसीलिए ये बौखलाहट में निकले हुए उनके शब्द हैं? और वो पत्रकारों का क्या होगा जो उनसे अभी भी सवाल नहीं कर रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि हो सकता है मोदी ही वापस आए, तो क्या ये उनकी चापलूसी अभी और आने वाले समय में बढ़ेगी? और क्या इन सब के बावजूद छठवें चरण में बीजेपी को लगेगा जोरदार झटका? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे खरी खरी। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमलेंदु जी। ये जो अभी हमने राहुल गांधी की बाइट सुनी, हंसी भी आ रही, राहुल गांधी का तरीका जो है बहुत बदल गया है, लगातार हम लोग देख रहे हैं, खासकर इन चुनावों में तो ये नजर आ रहा है कि राहुल गांधी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं घेरने का, मुद्दों पर वो घेरते हैं और बड़े चुटीले तरीके से घेरते हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि रख के दिया, ये उसी अंदाज में राहुल गांधी अब मोदी जी को रख कर देते हैं। वो बिल्कुल इस तरह की बातें बोल देते हैं जिसके बाद मोदी जी के सामने कोई उपाय नहीं रह जाता, वो उसका जवाब नहीं दे पाते, वो राहुल गांधी के उठाए मुद्दों को ही बार बार लेते हैं, ये तो हम लोग अभी तक देख ही रहे थे। और अब जो राहुल मतलब मोदी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी उस पर कुछ ऐसा कह देते हैं कि मोदी के पास आगे वो बोलने का कोई मौका भी नहीं रह जाता। तो आपको क्या लगता है, क्या गांधी ने इस समय और इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से बीजेपी को एकदम निरुत्तर कर दिया है और मोदी को थका दिया है? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह भागते दौड़ते रैलियां करते वही वही बातें, नफरत भरी बातें जो वो बोलते जा रहे हैं, उसके बाद उनके चेहरे में, उनकी बातों में, उनकी आवाज तक में अब थकान नजर आने लगी है। क्या ये थकान बीजेपी को मिल रहे झटके का नतीजा है अमलेंदु जी? निश्चित तौर पर समित्रा जी, ये सिर्फ बीजेपी को ही झटका नहीं है, ये व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी को भी झटका है, चूंकि वो जो बायोलॉजिकल तो है नहीं, वो दिव्यात्मा है। और एक शेर है, वो पहले भी एक बार सुना चुका हूँ समित्रा जी, कि वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करजोबियाँ। यानी मनुष्य को ईश्वर ने इसलिए पैदा किया कि उसके अंदर दिल में दर्द हो, वरना जो है मतलब अगर संवेदनाहीन हो जाए तो उस संवेदनाहीन के लिए तो देवता काफ़ी हैं। तो देवताओं में संवेदना नहीं होती है, संवेदना जो होती है वो मनुष्य में होती है। तो अगर नरेंद्र मोदी खुद को देवता समझते हैं, हालांकि मुझे पता नहीं वो किस तरीके से अपने को देवता समझते हैं, उनके समझने का
है अपना, कोई भी समझ सकता है, मैं भी समझ सकता हूँ। हम लोगों के यहाँ तो जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अगर आपको सड़क पर कोई कहे तो आप कहेंगे कि अपना जाके काम करो, तो हमारे यहाँ तो कह दिया जाएगा कि इसका जो है उसको भेजने की आवश्यकता है मानसिक अस्पताल में, जो अपने को मनुष्य नहीं मान रहा है, कुछ और समझ रहा है। लेकिन ये प्रधानमंत्री हैं और चूंकि जाने वाले हैं 4 जून को, ऐसा समझा जाता है। निवर्तमान प्रधानमंत्री आज ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा है, बहुत टॉप ट्रेंड में निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, तो कुछ भी कह सकते हैं। वैसे भी उनको मन की बातें करने की आदत है तो मन की बातें करते रहते हैं, लेकिन मन की बातों पे नरेंद्र मोदी इस तरीके से घिर जाएंगे ये नरेंद्र मोदी ने नहीं सोचा होगा। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना इकोसिस्टम बनाया हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट किया हुआ था, उसमें ये संभावनाएं थी नहीं कि नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से घेरा जाए। अभी भी आप देखिए सुमित्रा जी, कि जो मुख्यधारा का मीडिया कहा जाता है या जो कॉरपोरेट मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको बहुत से लोग कुछ और भी मीडिया के नाम से भी पुकारते हैं, हालांकि हम वो सब चीज़ें इस्तेमाल करना नहीं चाहते शब्द, लेकिन जो मतलब जो कहा जाए कि जो कॉरपोरेट मीडिया है, उसके यहाँ अभी भी भक्ति का भाव पूरी तरीके से जारी है। और ये भक्ति का भाव सिर्फ वहीं जारी नहीं है, बल्कि वो जब सोशल मीडिया पे भी आते हैं उनके एंकर्स और एंकरानियाँ, तो यहाँ भी वो भक्ति भाव जो है वो बताते हैं। तो अब हालांकि ट्रोल भी होते हैं, लोग आकर ये सवाल भी पूछने लगते हैं कि तुमसे ये नहीं पूछा गया, तुमसे वो नहीं पूछा गया, कि क्या आम काट के खाते हैं, किस तरीके से, इस तरह के सारे सवाल वहाँ होते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है सुमित्रा जी कि प्रधानमंत्री ये नई नई चीज़ें लेकर के आते कहाँ से हैं? मतलब उनका जो स्पीच राइटर है, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री में इतनी दिव्य शक्ति है कि वो ये सारी बातें सोच सकें और इतनी बातें बोल सकें। क्योंकि जब उनकी ओरिजिनल चीज़ें आती हैं, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है सुमित्रा जी, तो उस समय उनकी चीज़ें आती हैं, फिर वो अबरा का डबरा शुरू हो जाता है, फिर वो कि वो मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये शुरू हो जाता है, या फिर वो एक अकेला सब पे भारी छाती पीटने लगते हैं। तो इस तरीके की बातें जो वो कहते हैं, मुझे लगता है कि जो उनके स्पीच राइटर्स हैं वो शायद थोड़ा मेहनत कम कर रहे हैं या ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन विपक्ष ने, खासतौर से राहुल गांधी ने, नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से घेरना शुरू किया है, नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं उसकी तुरंत जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और फिर वो सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड होने लगता है। तो ये सुमित्रा जी, एक तो जो कहा जाता है कि अपने ही घर में मात होना, ये नरेंद्र मोदी का वही समय आ गया है कि अपने ही घर में मात हो रही है। जिस सोशल मीडिया पे कब्जा नरेंद्र मोदी का हुआ करता था, उनके ट्रोल्स का कब्जा हुआ करता था, आज नरेंद्र मोदी ट्रोल हो रहे हैं, उनके जो चाहने वाले हैं और उनकी ट्रोल आर्मी जो, वो खुद ट्रोल हो रही है। यानी कि अपने ही घर में जो है वो पटकनी खाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अच्छे तरीके से। तो अभी जो छठा चरण है, कल परसों में जो होना है चुनाव का, इसमें भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त झटका यही है कि अब नरेंद्र मोदी की कोई भी जुमलेबाजी चल नहीं पा रही है, क्योंकि उस जुमलेबाजी के उत्तर उसी तरीके से बड़ी जुमलेबाजी से सामने आ रहे हैं, उनके जुमले की जमकर के धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो नरेंद्र मोदी के पास पहले भी कहने के लिए सुमित्रा जी कुछ नहीं था, अपना कार्यक्रम बताने के लिए कुछ नहीं था, जुमले थे, लेकिन उन जुमलों की भी इस तरीके से खाल खींच ली जाएगी ये नरेंद्र मोदी को एहसास कभी नहीं रहा होगा और उनकी भक्त मंडली को भी निश्चित तौर पर नहीं रहा होगा। तो बहरहाल अब ये जुमलों के दिन मुझे लगता है जाने वाले हैं और वाकई में जो है अच्छे दिन आने वाले हैं सुमित्रा जी। बिल्कुल, जुमलों के दिन अब लग गए हैं, ये तो हो रहा है, क्योंकि इस बार इस पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी का एक भी जुमला काम नहीं आया। अब उन्होंने शुरुआत की थी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला करने से लेकर और मुस्लिम लीग की उसको छाप बताया, उसके बाद मंगलसूत्र पर आए, भैंस चोरी पर आए और उसके बाद अब वो बिजली और नल चोरी पर भी आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका कुछ असर होता नहीं दिख रहा है। बल्कि उनके इंटरव्यू में वो जो बातें बोल रहे हैं उस पर अपनी बातों में वो घिरते जा रहे हैं और अब तो आलम ऐसा है कि बीजेपी के नेता भी उनका बचाव करने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो तार्किक बुद्धि का इंसान होगा वो इस तरह की बेतुकी बातों का बचाव नहीं करेगा, तो इसलिए सब लोग चुप लगा जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से चुप्पी है, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस पर जोरदार हमला बोला जा रहा है। राहुल गांधी, जैसा मैंने पहले बताया कि इस समय कन्हैया कुमार के लिए उन्होंने प्रचार किया और कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करते हुए आज उन्होंने और क्या कुछ कहा, इसको भी हम सुन लेते हैं। अच्छा देखो, कन्हैया है यहाँ पे, अब कभी कभी मेरे से मिलने आता है, बातचीत होती है, कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात हो जाती है, कभी गरीबी पे बात हो जाती है। कन्हैया में अलग अलग लेवल की समझ है, यमुना पार की समझ है, किसानों की समझ है और इंटरनेशनल लेवल की भी समझ है। मगर अगर एक दिन कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके, सुनो सुनो,
और मुझे मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कन्हैया ये बात तू बाहर मत कह दियो। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। गलती से भी ये बात बाहर मत कह दियो, मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। अमरिंदु जी, राहुल गांधी के अंदाजे बयां की हम बात कर रहे हैं और इसमें आप एक चीज देखिए कि राहुल गांधी केवल तंज नहीं कस रहे हैं, वो इसके बहाने मतलब एक तीर से कई निशाने वो लगा रहे हैं। जैसे इसके पहले जो हम लोगों ने उनका बयान सुना था जिसमें उन्होंने चमचों की बात की थी, तो उसमें उन्होंने ये भी बता दिया था कि कोरोना और महंगाई और बेरोजगारी, उन्होंने सबका जिक्र कर दिया और उस समय जो देश की स्थिति थी उसका उस दौर की याद दिला दी लोगों को, कि क्योंकि लोग जो है अगर वो आप भूल भी रहे हैं तो वो राहुल गांधी आपको याद दिला रहे हैं कि आप भूलिए मत कि किस तरह गंगा किनारे आपकी लाशें मतलब जो आपके परिजनों की लाशें पड़ी हुई थी या कि आपको अस्पताल के बाहर कितने देर तक आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ा था। अभी भी जो कन्हैया कुमार का उन्होंने जिक्र कर दिया, क्योंकि कन्हैया कुमार को लगातार मनोज तिवारी जो है उनके प्रतिद्वंदी वो बार बार टुकड़े टुकड़े गैंग और देशद्रोही मतलब इशारों इशारों में ये बोल रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, बीजेपी भी उन पर इसी तरह से हमला कर रही है, तो कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के यहाँ पर कैंडिडेट हैं उनके लिए राहुल गांधी ने बता दिया कि उनमें अलग अलग स्तरों की समझ है और हम लोग जो है हम किस तरह की चर्चा करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी हम बात करते हैं और किसानों के मुद्दे पर भी बात करते हैं। यानी राहुल गांधी यहाँ पर लोगों को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो उसकी नजर सारे मसलों पर रहेगी, वो केवल हवा हवाई बातें नहीं करेगा, जुमलों पर बात नहीं करेगा, वो मुद्दों पर बात करेगा। क्योंकि आप देखिए कि इस पूरे चुनाव में इंटरनेशनल रिलेशंस वाले मुद्दे जो हैं वो गायब हैं। चीन और मतलब पाकिस्तान का जिक्र तो बीजेपी अपनी सुविधा से करती है, चीन का नाम नहीं ले रहे मोदी, या बाकी देशों के साथ जो इस समय हमारे संबंध जिस तरह से बढ़ रहे हैं या जो इंटरनेशनल क्राइसिस है उस पर कोई बात नहीं कर रहे। इंटरनेशनल तो छोड़िए, वो नेशनल क्राइसिस जो है उस पर भी बात नहीं करते, लेकिन यहाँ राहुल गांधी अपने जनता को ये मैसेज दे रहे हैं कि कन्हैया कुमार कितने काबिल हैं और हमने किस तरह काबिल लोगों को यहाँ पर अपना कैंडिडेट बनाया है। राहुल गांधी की इस बात को सुनकर और इसके बाद आपको क्या लगता है कि बीजेपी या मनोज तिवारी जो अभी भी कन्हैया कुमार पर ही हमला करने में लगे हुए, ये बात मैं अभी इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि परसों ही दिल्ली में चुनाव है, छठवें चरण का चुनाव है और यहाँ पर कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ रही है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी है, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और इस समय आम आदमी पार्टी पर भी बीजेपी हमलावर है। अरविंद केजरीवाल का मामला है जो कि अभी जमानत पर है, लेकिन इस समय अभी खबर आई कल ही उन्होंने किया कि मेरे बूढ़े माँ बाप से भी वो पूछताछ करने आएंगे और आज एक वीडियो आया जिसमें वो अपने माँ बाप को हाथ पकड़कर बाहर ले जा रहे हैं कि हाँ इस कमरे में बैठकर उनसे पूछताछ होगी और इसको आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से शेयर किया जा रहा है कि मोदी किस स्तर पर उतर सकते हैं। ये सारी बातें क्या बीजेपी को जोरदार झटका देने की तैयारी है, क्योंकि छठवां चरण काफी अहम होने वाला है और वहीं इस बीच हरियाणा भी प्रियंका गांधी पहुंची है, वहां आज उन्होंने एक जबरदस्त रोड शो किया, वहां भी उन्होंने बेरोजगारी अग्निवीर ऐसी स्कीम्स का मुद्दा उठाया है। आपको क्या लगता है कि इस छठवें चरण में जो परसों होने वाला है, आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा, क्या बीजेपी को जोरदार झटका लगेगा? देखिए समित्रा जी, जो सूचनाएं हैं और जो हम लोगों का आकलन है जनता से बात करके, अपने मित्रों से बात करके और अपने संवाददाताओं से सबसे बात करके और जो सोशल मीडिया की निगरानी करके और जो भी हम लोग के सोर्स हो सकते हैं उनके जरिए, साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि छठा चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू एक तरीके से साबित होने जा रहा है और सातवां चरण और भी ज़्यादा वाटरलू साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो अब तक चीज़ें करने की कोशिश की वो 5 चरणों के मतदान के बाद ये साफ स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ रही है।
अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी या अमित शाह कुछ भी बोलते रहे, लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता भी अब कोई बातें इस तरीके की करते हुए आपको नहीं पाए जाएंगे कि इतने पार हो जाएगा कि उतने पार हो जाएगा, क्योंकि सबको लग रहा है कि पार का मामला नहीं, अब तो हार का मामला है, हार कितने से होती है इसका मामला है और हार किस तरीके से बचाई जाए, शर्मनाक हार से बचा जाए, अब इसकी इसका प्रयास जो करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। दूसरा संकट ये भारतीय जनता पार्टी के सामने की, चूँकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा किया है, तो बाकी लोग अब नरेंद्र मोदी की मदद के लिए आगे आना नहीं चाहते और कोई भी आगे नहीं आ रहा है, मतलब दूसरे नेता जो है, यहाँ तक कि आरएसएस भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा किया तो सबको ये लग रहा है कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी को बचाना है तो नरेंद्र मोदी की छुट्टी जो है, इनकी विदाई तय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता है या मूल वोटर भी है, वो भी अब ये सोचता है कि नरेंद्र मोदी से अब छुटकारा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी हो गया है, अब वो तभी होगा जबकि इनको जो है मतलब इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया जाए, तो ये चीज़ें भी एक तरफ से चल रही हैं। दूसरे सर्मिता जी, जिस तरीके से जिन मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा है, अब देखिए अग्निवीर का मुद्दा जो है जिस तरीके से लेकर के इसको आगे बढ़े हैं, और आप कहीं भी चले जाइए, आप जो चुनाव है सर्मिता जी वो हरियाणा में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में है, बिहार में जहाँ चुनाव है, या बंगाल में चुनाव, ये सारे वो इलाके हैं जहाँ हिमाचल है, जहाँ जहाँ अग्निवीर का मुद्दा ज़बरदस्त तरीके से उठा था और अग्निवीर के खिलाफ यहाँ जबरदस्त तरीके से आंदोलन हुए थे, बिहार में तो बहुत ज़्यादा आगजनी वगैरह भी हुई थी इस के खिलाफ अग्निवीर योजना के विरुद्ध। उस अग्निवीर योजना को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि हमारी सरकार बनते ही हम इस अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे, यही बात इंडिया गठबंधन के और भी जो सहयोगी दल हैं, जो सदस्य हैं, वो सब कह रहे हैं। अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं, तेजस्वी इस बात को कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे इस बात को कह रहे हैं, तो यानी सारे इंडिया गठबंधन के सदस्य जो हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को हम आते ही समाप्त कर देंगे। क्या नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत है कि वो कह सके कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अग्निवीर योजना को समाप्त करके दिखा दे? जैसे नरेंद्र मोदी छाती ठोक के कह रहे हैं कि वो साहब मेरे जिंदा रहते हो क्या फला को आरक्षण नहीं मिलने दूंगा, इसको आरक्षण नहीं मिलने दूंगा, इसी तरीके से नरेंद्र मोदी में अगर हिम्मत है और 56 इंची उनकी छाती है और अगर एक अकेले सब पे भारी है, तो उनको घोषणा करनी चाहिए कि दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो सरकार में आ जाए लेकिन वो अग्निवीर योजना को समाप्त नहीं कर सकती। ये साहस जो है नरेंद्र मोदी को दिखाना चाहिए, चूंकि ये उनकी योजना है। अब चूंकि इस योजना पर नरेंद्र मोदी में साहस नहीं है, तो बजरिए चुनाव आयोग जो है कहलवाया जा रहा है कि भाई आप अग्निवीर योजना पे कोई बातचीत ना कीजिए, कांग्रेस से कहा जा रहा है। तो अब चुनाव आयोग ये निर्देश देने वाला कौन है कि साहब आप इस पर बात कीजिए, उस पर बात मत कीजिए, तो ये अलग का मसला है। लेकिन जिस तरीके से झटके लग रहे हैं सुमिता जी, और चुनाव आयोग का ये नोटिस जो है ये साफ तौर पर बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से झटका लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि जो मुद्दे राहुल गांधी ने या अखिलेश यादव ने या तेजस्वी यादव ने, उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने, सीताराम येचुरी ने, ममता बनर्जी ने या कल्पना सोरेन ने, जिन इन लोगों ने जो भी मुद्दे खड़े किए हैं, उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है और जनता इन सवालों को बीजेपी से पूछ रही है कि आपने 10 सालों में किया क्या है, किस तरीके से आपने देश का सत्यानाश लगाया है, आपको इसका हिसाब किताब देना होगा। झोला आपका जो है जनता चेक करने लग रही है, वो 2 जून को चेक होगा और 4 जून को चेक होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन अब जो जनता पहले ही कह रही है पहले अपना झोला चेक कराओ, उस झोले में तुम्हारे है क्या क्या, तो यानी आपका झोला उठाने की जब बारी आएगी तो आप झोला ऐसे उठा करके नहीं जा पाएंगे, जनता उस झोले को चेक कर रही है। तो ये परिस्थितियाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा हो रही हैं, ये अच्छा संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इसको अच्छे तरीके से समझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जो निवर्तमान प्रधानमंत्री जिनके लिए आज ट्रेंड हो रहा है, जो इस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, वो भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि उनकी विदाई तय हो चुकी है, जनता ने विदाई तय कर दी है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कल दावा किया कि 140 करोड़ जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए तरसा देगी, तो ये सुमित्रा जी कहीं ना कहीं सच होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी क्या होता है ये जनता के हाथ में, लेकिन जो जनता से बात करके और जनता का नब्ज हम जो पकड़ के समझ रहे हैं वो यही समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव की ये बात सच साबित होने जा रही है। सुमित्रा जी बिल्कुल, अखिलेश यादव 140 तक सीमित कर रहे हैं, मतलब इसके लिए भी तरसने वाली बात बोल रहे हैं कि बीजेपी इसके लिए भी तरस जाएगी। वहीं राहुल गांधी तो 150 तक की बात पहले बोल चुके हैं और अब ये तमाम आंकड़े भी जो सामने आ रहे हैं। और एक जो सबसे अहम सवाल आपने अभी जो किया यहाँ पर कि चुनाव आयोग जिस तरह से अग्निवीर का मसला और संविधान को लेकर ना बोलने वाली बात जो उसने अभी कांग्रेस को बोली है, तो ये भी एक आश्चर्य लगता है अमलेंदु जी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी ऐसा नहीं कि इन मुद्दों को अभी उठाना शुरू किया है, कांग्रेस इन मुद्दों को शुरू से उठाते आई है। राहुल गांधी तो हमेशा से अग्निवीर के खिलाफ बोलते आए हैं और उन्होंने इस चुनाव के पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि हम सत्ता में आए
तो हम अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, क्योंकि लोगों में यानी जो नौजवान है हमारे उनमें बड़ा इसको लेकर एक चिंता है, निराशा है, दुख है, लेकिन मोदी इस दुख को समझ नहीं रहे हैं। तो इसीलिए अब ऐसा लग रहा है कि जनता अब उन्हें जोरदार झटका देने की तैयारी में है। इधर चुनाव आयोग ने भी अब जिस तरह से कोशिशें की हैं, क्योंकि उसकी निष्पक्षता पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, पहले तो मतदान के जो आंकड़े हैं, जो प्रतिशत एकदम से बढ़ गया वो संदिग्ध है, उसके बाद अभी जो फॉर्म 17C को उसको उसका डेटा उपलब्ध न कराने की बात जो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में की है उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। और इसके साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि चुनाव आयोग को आखिर छठवें और सातवें चरण के पहले, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के कुछ इलाके, बिहार, यहाँ जहां से नौजवान बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होने जाते हैं, वहां उन चुनाव के पहले ही चुनाव आयोग को क्यों ये कहना पड़ा? क्या ये किसी तरह बीजेपी की मदद करने की कोई कोशिश है? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पवन खेड़ा ने भी कल एक वीडियो जारी किया और उन्होंने चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए थे मतदान को लेकर उस पर कुछ जरूरी बातें कही हैं, कुछ जरूरी सवाल उठाए हैं, इन सवालों को हम सुन लेते हैं। पिछले चार चरणों के चुनाव में जिस तरह से जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, दो उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे, दूसरा फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1,07,00,000 वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया, ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में हैं, वो मिसिंग ईवीएम्स कहाँ हैं? ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है, और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। पवन खेड़ा के सवाल यहाँ पर, यही सवाल देश की जनता के भी हैं चुनाव आयोग से, क्योंकि उसने वादा किया है कि वो बेदाग चुनाव करवाएगी, लेकिन शुरू से दाग लगने लग रहे हैं और चुनाव आयोग उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा, ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। चुनाव आयोग के खिलाफ अभी मतलब उसने जो फॉर्म 17C नहीं उपलब्ध कराया, सार्वजनिक नहीं किया, इसको लेकर ADR और कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की थी, और जिसमें उसने कहा था कि आप ये 17C का डेटा जो है वो उसका खुलासा करिए चुनाव आयोग से, उसकी मांग की गई है, जिस पर चुनाव आयोग ने ये कहा था कि फॉर्म 17C डेटा के अंधाधुंध खुलासे से मतगणना सहित छवियों के छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हम ये डेटा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, जबकि आपको मैं बता दूं अमलेंदु जी की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JV पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 17 मई को यह आदेश दिया था कि 24 मई को अवकाश पीठ के समक्ष इस मामले को सूचीबद्ध किया जाए और जिसमें ECI से जवाब दाखिल करने को कहा गया है, लेकिन फिलहाल ECI का ये जवाब है कि हम 17C के डेटा उपलब्ध नहीं करा सकते। अब अमलेंदु जी, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जब बात उठी कि आप उसका डेटा उपलब्ध कराइए तो बैंक मना करता है, जब पीएम केयर्स फंड की जानकारी ली मतलब बात होती है तो उसको आप उसमें नहीं लाते सूचना के अधिकार के तहत, और आप उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराते। अब मतदान का जो आंकड़ा है, ये जानना तो जनता का हक है कि आखिर कितना मतदान हुआ है उसका, जब आपके पास फॉर्म उपलब्ध है जिसमें आंकड़े उपलब्ध है, तो फिर आपको ये जानकारी देने में किस बात की कोताही, मतलब आप क्यों नहीं दे रहे हैं, किस बात की पर्दादारी है, ये सवाल उठ रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि फॉर्म दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक होता है 17A जिसमें मतदाताओं का रजिस्टर होता है, इसमें पोलिंग ऑफिसर बूथ पर आने वाले हर एक मतदाता के डिटेल दर्ज करता है, और जो फॉर्म 17C होता है उसमें कितने वोट पड़े इसका लेखा जोखा दर्ज होता है। यानी दो फॉर्म होते हैं 17A और 17C, और ये जो है चुनाव आयोग के पास रहते हैं और चुनाव आयोग इसकी जानकारी जनता को दे सकता है, लेकिन फिलहाल वो देने से उसने इनकार कर दिया है।
और जब वोटिंग खत्म होती है तो जितने उम्मीदवार होते हैं उनके जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनके जरिए फॉर्म 17C उपलब्ध कराया जाता है और उसमें वो सारी जानकारी होती है। तो अब सपा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इनके पोलिंग एजेंट से ये कहा जा रहा है, मतलब ये अलग से अपील की जा रही है कि आप जब मतदान खत्म हो तो आप 17C फॉर्म जो है वो ले और आप खुद ही अपनी जानकारी एकत्र करें, मतलब जो काम चुनाव आयोग का है अब उसके लिए भी पार्टियों को कमर कसनी पड़ रही है। अमलेंदु जी ये हो रहा है, क्या ये सारी चीजें किसी संदिग्ध घटनाक्रम की ओर इशारा नहीं कर रही? कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी चीज की तो पर्देदारी है जिसके पीछे बीजेपी ये दावा करती रही थी कि हम 400 पार जीतेंगे, लेकिन अभी तो खैर 400 पार की बात नहीं हो रही, ये चुप्पी क्यों है ये भी एक सवाल है। क्या ये जिस बात को हम लोग कहते आए हैं कि 5 चरणों में बीजेपी को झटका लग गया है इसीलिए अब वो चुप है, या फिर किसी और इरादे से बीजेपी ने इस समय चुप्पी धारण कर ली? क्योंकि बीजेपी के इरादों पर एकदम से यकीन भी नहीं होता जिस तरीके से उन लोगों ने विधानसभा चुनाव के में या चुनाव होने के बाद या जब सत्ता किसी की चल रही है उसके बीच में जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ा है, सरकारों को गिराया है, तो बीजेपी के इरादों पर एकदम से यकीन भी नहीं होता कि बीजेपी चुपचाप अपनी हार, अगर वो हार रही है तो वो स्वीकार कर लेगी। यहाँ पर बीजेपी के इरादे और चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है कि हम उपलब्ध नहीं कराएंगे डेटा, पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पे उपलब्ध नहीं कराया गया डेटा, उसके बाद पीएम केयर्स फंड पे नहीं, और अब जनता को ये जानने का हक भी नहीं है कि उसके कितने वोट पड़े, कितने लोगों ने वोट दिए। और जिस तरीके से पवन खेड़ा सवाल उठा रहे हैं कि 1 करोड़ समथिंग जो है वो उतने आंकड़े मतलब उतने वोट बढ़ गए हैं, तो ये क्या खेल है अमरेंदु जी, क्या आपको लगता है इस सबके पीछे क्या बीजेपी की रणनीति चल रही है? देखिए सर मित्रा जी, जो बीजेपी की रणनीति है वो अपनी जगह है, लेकिन चुनाव आयोग जो है बहुत निर्लज्जता के साथ व्यवहार कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कही जा सकती। और ये निर्लज्जता शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप बता रहे हैं कि आप डाटा नहीं दे सकते। डाटा क्यों नहीं दे सकते, डाटा किसका है ये जी? आपने चुनाव संपन्न कराया है तो आपको ये बताने में क्या परेशानी है कि कितने लोगों ने वोट डाला और कितने लोग कितनी मतदाता सूची में कितने लोगों के नाम है? यानी कि चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा संदेह के घेरे में है। और जिस तरीके से जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत निर्लज्जता के साथ जिस तरीके से विपक्ष को लेकर के शायरी पढ़ी, वो साफ तौर पर बताता है कि राजीव कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए पिट्ठू की तरीके से काम कर रहे हैं, इसको आप इस तरीके से समझ सकती हैं। यानी विपक्ष आपसे लगातार मिलने के लिए समय मांग रहा है, आप उसको विपक्ष को समय नहीं दे रहे मिलने के लिए। आप बताते हैं कि आपने जो अपनी वेबसाइट पे जो FAQ है उसको आपने अपडेट कर दिया है, और जब सुप्रीम कोर्ट में FAQ की बात आती है तो आप बताते हैं कि इसको हम अपडेट कर देंगे, और इसमें जब सुप्रीम कोर्ट खुद सवाल पूछता है, चुनाव आयोग के अधिकारी से खुद पूछता है कि आप जो यहाँ बता रहे हैं क्या ये आपने वहाँ किया हुआ है अपनी अपडेट पे, उसका जवाब नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप यहाँ कुछ छिपा रहे हैं, चूंकि जो आप हमें बता रहे हैं वो आपकी वेबसाइट पे नहीं है FAQ में, तब कहा जाता है कि इसको अपडेट कर देंगे। ये 17C का मामला है, जो अब सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछता है चुनाव के अधिकारी से, तो वो बताते हैं कि साहब 2019 में इसमें गड़बड़ियाँ थी हमारे वोटर टर्नआउट ऐप में, लेकिन अब हमने उसको ठीक कर लिया है। अगर आपने उसको ठीक कर लिया है और आप एक तो आपने स्वीकार किया कि आपके उसमें गड़बड़ियाँ हैं, भले ही आपने स्वीकार किया कि 2019 में आपकी गड़बड़ियाँ थीं, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर के स्वीकार किया है कि उसमें गड़बड़ियाँ थीं और आप कह रहे हैं कि आपने उसको ठीक कर लिया है, तो ये डाटा ठीक उसी समय क्यों नहीं आ रहा जिस समय BLO जो है वो डाटा उसमें फिट कर रहा है? शाम के 7 बजे BLO जो है वो हर बूथ का वो डाटा उसमें फिट करता है 17C का ऐप में। अगर वो ऐप में डाटा फिट किया जा रहा है तो आप उसी समय अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर ये गड़बड़ियाँ कहाँ हैं? निश्चित तौर पर समिता जी, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गंभीर चीज़ें हैं, जनता के मन में संदेह इसको लेकर के उठ रहे हैं लगातार, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है, कल उस याचिका पे सुनवाई है। और ये कहा गया है अदालत की तरफ से कि भले ही रात हो जाए हम पूरी इसको सुनेंगे, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि मामला इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब कल अगर मान लीजिए सरमित्ता जी कोई आदेश आ जाता है, या यही इसी तरह का कोई आदेश आ जाता है कि आप पिछले चरणों में जो कुछ हुए हैं उसकी डाटा आप दीजिए हमको और उसका मिलान किया जाएगा और लोग उसका मिलान करेंगे, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो हो सकता है कि काउंटिंग से पहली जो गड़बड़ियाँ हैं वो बहुत सी गड़बड़ियाँ पकड़ में आ जाएं। तो अब जो पार्टियाँ कह रही हैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पोलिंग एजेंट से कि आप 17C को लीजिए, यानी रायबरेली तक में ये हुआ कि आपने BLO ने 17C का डाटा नहीं दिया कांग्रेस के वहाँ जो बूथ एजेंट थे उनको, इस तरीके की खबरें आई हैं। तो ये अगर सब चीज़ें होनी तो ये निश्चित तौर पे निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पे ज़बरदस्त तरीके से संदेह और सवाल दोनों पैदा करती हैं।
चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी के प्रति वफादार होने के बजाय इस देश के संविधान के प्रति वफादार होना चाहिए, जिस संविधान ने उसको एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया हुआ है। समित चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया था, जो चुनाव आयुक्त जो हैं वो नरेंद्र मोदी के प्रति इतनी ज़्यादा भक्ति दिखाएं, ठीक है नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो है उनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, लेकिन नियुक्त जो किया है तो वो संविधान के तहत आप संवैधानिक संस्था हैं। नरेंद्र मोदी के पास शक्ति तभी आई जब संविधान ने एक संवैधानिक संस्था बनाई। तो इस संविधान को बचाने की लड़ाई में चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए और संविधान के साथ खड़े होना चाहिए, और संविधान के साथ जो भी खिलवाड़ कर रहा है उसके खिलाफ चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, जो वो करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। बिल्कुल, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से चुनाव आयोग को ईवीएम के मसले पर भी कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ा, अब फॉर्म 17C का मामला है, इस पर भी कोर्ट के सामने जाना पड़ा। अगर बार बार चुनाव आयोग की चीजों को लेकर कोर्ट जाने की मजबूरी हो रही है कुछ संस्थाओं की, कुछ लोगों की, उससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में चूक रहा है, कोई कमी हो रही है, जिस वजह से ही ऐसा हो रहा है। अगर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं तो इसके लिए तो इससे पहले कि कोई और आवाज उठाए चुनाव आयोग को खुद अपनी गलती सुधार लेने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल वह होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन देखना होगा कि आखिर छठवें चरण के पहले कल क्या कुछ होता है सुप्रीम कोर्ट में, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इस बीच हम ये देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि छठे चरण के पहले बीजेपी को किस तरह से जोरदार झटका लगा है, और जैसा हमने बताया था कि ये झटका मिल रहा है उसे इंडिया गठबंधन की ओर से। राहुल गांधी की बातें आपने सुनी, उधर प्रियंका गांधी आज हरियाणा में रोड शो कर रही हैं। हरियाणा में भी इस बार बीजेपी की हालत खराब बताई जा रही है, क्योंकि पिछले बार बीजेपी के खाते में सारी सीटें आई थी, लेकिन इस बार जिस तरह का माहौल है और खासकर किसान आंदोलन के बाद, और अभी भी किसान वहां पर बहुत नाराज बताए जा रहे हैं, वहां पर बीजेपी प्रत्याशियों को कई गांवों में घुसने भी नहीं दिया जा रहा, जिन लोगों ने भी किसान आंदोलन के वक्त उन पर अत्याचार किए अब उसका हिसाब लिया जा रहा है, और ये हिसाब किताब अब पूरे देश में हो रहा है। इधर आज एक अनूठा हिसाब तेजस्वी यादव का भी देखने मिला। अमरिंदर जी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, इन दोनों का एक दिलचस्प वीडियो वापस सामने आया है, हेलीकॉप्टर से ही सामने आया है, क्या है इस वीडियो में, इसको देख लेते हैं। ये क्या है? ये आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है तकरीबन, और आज 205 हो जाएगा, पूरा करेंगे तो इसके लिए आज हम लोग चाह रहे हैं केक काटा जाए। आपका तो 200 हो चुका है, मेरा पहली बार ऐसा हो रहा है, डबल सेंचुरी हो रहा है, दिमाग में नहीं था कि 200 हो गया है, तो अभी 190 के आसपास हुआ है, 200 सभा आप लोग कर चुके हैं। 200 विधानसभा में तो हम इससे भी ज्यादा 250 के आसपास जो है सभाएं हमने की थी, इस बार हम लोग को 250 पार कर जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि सातवां फेज में भी बाकी है, और अभी आज 200 हो जाएगा। आइडिया कहाँ से आया आपको 200 का केक का? कुछ हम लोग कुछ नया करे, लोगों को मिर्ची लगे चीजें, और आज सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है, जो हम लोगों का दोस्ती बना भाईचारा वाला जो कॉम्बिनेशन बना है, तो बिहार नहीं पूरे देश को मिर्ची लग रहा है, एक बिहार की जनता के लिए निश्चित तौर पे, और बिहार की जनता इतनी गर्मी में भी हम लोगों को सुनने आ रही है, उन सबका जो एक वॉइस है, इस बार संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, गंगा जमीनी तहजीब, नौकरी के नाम पे महंगाई को हटाना और गरीबी को हटाने के लिए जो बिहार की जनता ने समर्थन दिया है, उन सबको धन्यवाद देते हैं, कितनी गर्मी में भी आप लोग आए। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का ये एक नया वीडियो, इस बार हेलीकॉप्टर में मछली नहीं है, केक है, और केक पर लिखा है हैप्पी 200 या हैप्पी 200, क्योंकि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की इस समय मिलाकर 200 से ज्यादा सभाएं हो चुकी हैं, जो अभी कुछ समय पहले का ये, कुछ घंटे पहले का ये वीडियो है, और इससे समझ में आता है कि आज उन लोगों की ये 200 पार कर जाएंगी ये सभाएं। अमरिंदर जी, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने केक के बहाने जो फिर एक मैसेज दिया कि ये बिहार की जनता के लिए ये केक है, और उस जनता के लिए जो इस गर्मी में हमको सुनने आती है, और इसका कारण भी उन्होंने बताया कि आखिर क्यों सुनने आती है, क्योंकि उसके सामने जो समस्याएं हैं वही गरीबी, नौकरी, रोजगार, महंगाई,
इन्हीं सारे और गंगा जमुनी तहजीब जो उन्होंने एक सबसे अहम बात ये भी बोली, तो आपको क्या लगता है क्या इस वीडियो के बाद जैसा मुकेश सहनी एक दावा उन्होंने किया कि हमको मिर्ची लगती है हमारे भाईचारे को देखकर, क्योंकि पिछले बार भी उन्होंने कहा था और उनका ये बोलना था और उसके बाद बीजेपी की ओर से कमेंट आने शुरू हो गए थे, आपको क्या लगता है कि आज इस केक को देखकर बीजेपी चुप बैठेगी या फिर कोई और उसका उसकी ओर से कोई जवाब आएगा या फिर वो कोई नए तरीके से पलटवार करने की कोशिश करेगी, और तिहाने जो मैसेज है ये जनता तक किस तरह पहुंचने वाला है? देखिए समिता जी, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ ना कुछ करेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि खामोश बैठ जाए, उसे मिर्ची नहीं लगी, जैसे कि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि उस मिर्ची लगाने के लिए केक काटा जा रहा है, तो जब मिर्ची लगाने के लिए केक काटा जा रहा है तो मिर्ची तो निश्चित तौर पर लगेंगी, और मिर्ची लगेंगी तो भाजपा चिल्लाएगी भी, तो अब चिल्लाएगी क्या ये देखना होता है। अब जो नरेंद्र मोदी कहते जा रहे हैं कि शहजादे जो बाबर कहते हैं, कल अखिलेश यादव ने भी कहा कि भाई इस बार शहजादे मिलकर जो है वो शहनशाह को धूल चढ़ा देंगे, तो अब देखना ये है कि शहनशाह और शहजादों के बीच में जो लड़ाई चल रही है इसमें शहजादे जीतते हैं कि शहनशाह जीतते हैं, तो ये मुझे लगता है शहनशाह को चुराने के लिए काफ़ी आना कि उनको सुल्तान कहा जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि बायोलॉजिकल वो नहीं है, तो इसलिए सुल्तान कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि सुल्तान जो बनता था समित्ता जी, सुल्तान तभी बनता था कि जब खलीफा से उसके पास जो है वो आदेश पत्र आ जाता था कि आप जो है सुल्तान बन गए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसीलिए भारत में सुल्तान का दर्जा नहीं मिला क्योंकि उसके पास खलीफा का वो पत्र नहीं था, और इल्तुतमिश जो था उसको उसके पास खलीफा का पत्र था, तो इल्तुतमिश से जो है यहाँ गुलाम वंश की स्थापना मानी जाती है कि वो उसके पास खलीफा का पत्र था, तो इसलिए जो है वो उनको सुल्तान कहना ठीक रहेगा चूँकि बायोलॉजिकल नहीं है, तो ये कुल मिलाकर के तो जो नहीं है वो ठीक है, उनका मसला है क्या है वो क्या नहीं है, लेकिन ये केक जो है ये मिठाई तो दे रहा है आरजेडी और इंडिया गठबंधन के समर्थकों को, मतलब खुशी दे रहा है, लेकिन ये मिर्चे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लगा रहा है निश्चित तौर पे। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि भाई विधानसभा चुनाव में हमने 250 से ज़्यादा सभाएं की थी, निश्चित तौर पर उन्होंने 250 से ज़्यादा सभाएं की थी और अभी भी 200 से ज़्यादा सभाएं आज उनकी हो जाएंगी, और जैसे कि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अभी एक चरण और बचा है तो हमारी 250 के पार सभाएं हो जाएंगी, तो निश्चित तौर पर 250 से ज़्यादा सभाएं हो जाएंगी। आप देखिए कि कितनी तकलीफ में, मतलब तेजस्वी यादव हैं, उनके पीठ में दर्द है और उनको आराम करने की सलाह दी गई है और सहारे से उतर रहे हैं, सहारे से चल रहे हैं, इसके बावजूद वो लगातार जो है वो सभाएं जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, और सिर्फ सभाएं नहीं कर रहे हैं, जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों पे लगातार बात कर रहे हैं, उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को विवश कर रहे हैं कि वो आकर के उनके जवाब दे। मिर्चें भी भारतीय जनता पार्टी को लग रही है, वो लगातार ऐसे काम भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मिर्चें और ज़्यादा लगती रहें। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये सब चीज़ें हैं सर मित्र जी, इससे साफ समझा जा सकता है कि जो छठा चरण है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कष्टदायी होने जा रहा है। चुनाव आयोग को जो करना है वो करता रहे, लेकिन जनता जब अपने पे आ जाती है तो सारे आयोग और आयोग सब धरे रह जाते हैं और सारी जो है वो चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं, तो जनता इस बार जो है अपने पे आ गई है, और जनता बिल्कुल, आप देखिए सड़क पे आप निकल कर के लोगों से बात कीजिए किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो जब बात देश बचाने की है तो जनता मोदी को हटाएगी भी, इतना भी तय समझा जा सकता है समझ रहे हैं। बिल्कुल, बात केवल देश बचाने की नहीं है, बात इस समय सबसे बड़ी ये हो रही है कि संविधान बचेगा या नहीं, और यही डर जो है लोगों में इस बार बैठ चुका है, और इसी डर की वजह से अब वो बीजेपी को हटाने का मन बना चुके हैं, ये बात अब नजर आ रही है। 5 चरण के चुनाव पूरे हो गए हैं, परसों 6वें चरण के लिए वोटिंग है, और उस 6वें चरण के पहले कई सारी बातें, अब नई नई बातें सामने आ गई हैं, जिसमें अभी सामने ये जो दिख रहा है स्क्रीन पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच में ये रखा हुआ केक, अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 6वें और 7वें चरण के बाद केक खाने की स्थिति में कौन रहेगा, खिलाने की स्थिति में कौन रहेगा, और कौन केवल मन महसूस कर रह जाएगा कि काश ये केक हमको मिला होता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी को जोरदार झटका मिल रहा है इंडिया गठबंधन की ओर से, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, तमाम नेता जो हैं इस समय खुलकर और बिल्कुल जोरदार तरीके से मुद्दों के साथ, तथ्यों के साथ बीजेपी का घेराव करने में लगे हैं, और बीजेपी के पास अपने बचाव के लिए अब कोई दलीलें नहीं बची हैं, और ये भी देखना होगा कि बीजेपी का साथ देने की कोशिश जिस तरीके से इस समय देश की संवैधानिक संस्थाएं कर रही हैं, उनका भी ये इरादा कितना कामयाब होगा, क्योंकि जब जनता आती है, जब जनता ये हुंकार करती है कि हम आ रहे हैं, तो सिंहासन खाली करना ही पड़ता है। अब जैसे कि मोदी इन लोगों को बार बार शहजादे बोल रहे हैं, और अखिलेश यादव ने कह ही दिया कि शहजादे जो हैं वो शहनशाहों को हटा देंगे, तो ये शहनशाह इस बार खाली करते हैं कि नहीं सिंहासन, ये देखना होगा। फिलहाल ये दिख रहा है कि सिंहासन हिल रहा है, बीजेपी को जोरदार झटका लगता जा रहा है। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपका इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।